आज तो सेल आ गया, जल्दी जल्दी आईफोन ले लेता हूँ। चलो ऑर्डर हो गया, प्लीज फाइनली ऑर्डर प्लीज। यस भाई, खुशी की तो बात है, तेरे भाई ने अपग्रेड कर लिया एप्पल आईफोन 13, वो भी 50,000 में। हाँ मिला क्या? अबे भाई ऑर्डर कैंसिल हो गया, रिफंड आ रहा है। iPhone 13 50,000 में, क्या आपको भी मिला? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा चौधरी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ V2Dice ग्रुप, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बहुत दिनों के बाद हमारे सनों के चैनल पे, जिसका नाम है ई कॉमर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की ना एक ऐसी अमेजिंग बिजनेस केस स्टडी जो आपको ना ये बताएगी कि कैसे फ्लिपकार्ट की मार्केटिंग टर्न हुई पूरी की पूरी स्कैम के अंदर। और ये कह सकते हैं कि भैया इसके ऊपर तो पूरी मूवी बन सकती है, स्कैम 2022 के ऊपर। मैं मजाक कर रहा हूं जस्ट, लेकिन आपको ना इस बिजनेस केस स्टडी के थ्रू बता सकता हूं कि कैसे ऐसी 5 पॉइंट है जो आपके बिजनेस में ना इस मार्केटिंग डील से सीखने के हैं। तो पहली डील जो है उसको हम कहते हैं इनसेनली ब्रांड डील, मतलब कि आप ऐसे कोई ब्रांड डील कर सकते हो जैसे फ्लिपकार्ट ने एप्पल के साथ में इतनी बड़ी ब्रांड डील की कि भैया 50,000 में एप्पल आईफोन 13, जो लोग है ना सोचते थे भैया ये कभी हो नहीं सकता, वो फ्लिपकार्ट ने करके दिखा दिया। तो क्या आप अपने बिजनेस में भी कुछ अमेजिंग सा ऐसा कोई डील लेके आ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी ब्रांड के साथ कोलैबोरेटिव कर सकते हो? और सेकंड, अगर आप समझना चाहोगे जिसको मैं कहता हूं कि कोलैबोरेशन विद द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ योर इंडस्ट्री। सो फ्लिपकार्ट ने भी सिंपल कहा कि छोटे मोटे ब्रांड के साथ तो डील किया का किया, लेकिन बड़ी से बड़ी एप्पल जैसी बड़ी ब्रांड जिसके पीछे लोग पड़े रहते हैं और एप्पल को लोगों के पीछे नहीं पड़ा रहना पड़ता, ऐसी कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन किया और इनसेनली कोलैबोरेशन किया, जहां पर लोग आपके मार्केटिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, बहुत शेयर। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग जिसको हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आपने पहले भी सुना होगा, मार्केटिंग लैंग्वेज में हमेशा से इस्तेमाल किया गया है। जैसे फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर के साथ फियर ऑफ मिसिंग आउट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है पहले भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, और इस बार तो बहुत ही अमेजिंग इस्तेमाल किया है। क्योंकि जब रात को 12 बजे एफ एश्योर्ड वालों को बोल दिया भैया कि अब जो डील आने वाली है ना वो कुछ समय के लिए है, अगर 50,000 में आपने लिया तो लिया, बाकी बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। सो आप क्या अपने बिजनेस में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप जब भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकालो तो कुछ समय के लिए निकालते हैं, जैसे कि 1 घंटे के लिए कुछ इंसेंट डील निकाल सकते हो, लाइटनिंग डील निकाल सकते हो, फ्लैश सेल निकाल सकते हो, दिवाली सेल निकाल सकते हो, ऐसी कुछ अमेजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आपका बिजनेस तो ग्रो हो सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, ऑन योर प्रॉमिस। स्टैंड ऑन योर प्रॉमिस मतलब फ्लिपकार्ट ने बहुत अमेजिंग डील की, बहुत ही इनसेनली डील की और फोमो भी क्रिएट कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करती है भैया, किसी को डिलीवरी नहीं किया है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज निकालते हो, मार्केटिंग मार्केट में निकालते हो, सेल्स हो रहा है, कस्टमर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कस्टमर शेयर कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, जब देने का समय आया तो आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। आपको जैसे मेरे आगे आपने देखा ना कि भैया जिसको भी प्रोडक्ट परचेस किया सबके ऑर्डर कैंसिल किए। फिफ्थ पॉइंट आपको समझना पड़ेगा इस केस स्टडी से कि कभी भी अपने कस्टमर को नाराज मत कीजिए, उसको निराश मत कीजिए, नेवर डिसअपॉइंट योर कस्टमर। क्योंकि अब आपने मार्केटिंग तो रिलीज कर दी है और आपने प्रॉमिस भी कर दिया, आपका एक ब्रांड प्रॉमिस है, लेकिन ब्रांड प्रॉमिस अगर टूटता है ना दोस्तों तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है आपको भी और आपके कस्टमर को भी। क्योंकि आपका कस्टमर ना प्रमोटर था, वो हर एक बंदे को बोला था भैया फ्लिपकार्ट से माल खरीद ले, इससे खरीद ले, उससे खरीद ले, ऐसा कर ले। लेकिन अब जब ये हादसा हुआ है, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जब सबके ऑर्डर कैंसिल हुए, अब मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे लोग ना फ्लिपकार्ट के बारे में नेगेटिव बोलेंगे। अगर बोलेंगे क्या, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको देख रहा है ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रहा था भैया बिग बिलियन डे स्कैम 2022, कितना सारा नेगेटिव चीज आपके मार्केट में आया। सो आपको क्या करना है, आपके कस्टमर को कभी डिसअपॉइंट नहीं करना। चलो जाते जाते मैं एक 6th पॉइंट बोनस देके जाता हूं जिसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर को हम कैसे रिटेन करें। क्योंकि अब कस्टमर मुझसे दूर जा चुका है, उसको तकलीफ हो चुकी है, वो बुरा मान गया है, क्योंकि बहुत सारे शादी में देखा ना फूफा लोग गुस्सा हो जाते हैं, कस्टमर भी आपके गुस्सा हो चुके हैं। तो उसको रिटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सरप्राइज देना पड़ेगा, कुछ ऐसा अलग देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर हिंट दूं तो फ्लिपकार्ट वाला हो सकता था कि जब पैसा रिफंड कर रहा है उसके साथ में कुछ ऐसी यूनिक चीज कर देता कि कस्टमर फिर से रिटेन हो जाता। आपके बिजनेस में भी हो सकता है कितने कस्टमर्स होंगे जो नाराज हो गए होंगे, उनको तकलीफ हो गई होगी, उनको कुछ उपहार दे सकते हैं क्या, हम उसको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, हम उसको एक ग्रीटिंग कार्ड लिख सकते हैं, क्या आप अपने कस्टमर को पर्सनली फोन कर सकते हो। देखो कस्टमर तो चले गए हैं, बहुत सारे कस्टमर टूट चुके हैं, लेकिन
कुछ कस्टमर भी अगर रिटर्न हो जाए, रिटेन हो जाए, वापिस आ जाए, तो आपके कस्टमर जो बुरा मान गए थे ना, हो सकता है वो नए कस्टमर आपको बना के दे सकते हैं, हो सकता है जो लॉस बहुत बड़ा हो रहा था वो शायद लॉस कम हो जाए। तो ये बिजनेस में आपको स्ट्रैटेजी निभानी पड़ेगी। तो आपको आज की ये जो केस स्टडी थी फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो मार्केटिंग टर्न इनटू स्कैम के ऊपर से मैंने आपको एक केस स्टडी, आपको कैसी लगी मुझे जल्दी से बताना है। और आशा रखता हूं कि अगर आपको पसंद आएगी तो आगे फ्यूचर में भी आपके लिए मैं ऐसे केस स्टडीज ला सकता हूं। अगर आप कमेंट करके बता रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ में लोगों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जैसे बिजनेस में हेल्प हो सके। और जाते जाते ना इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फाइनेंस और ई-कॉमर्स के ऊपर मैं आप सभी को बहुत सारे कॉन्टेंट्स देने वाला हूं। थैंक यू सो मच।